नमस्कार, लाइव गिटार ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो कॉर्ड के ऊपर है, मतलब ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो बार कॉर्ड्स तक आ गए हो, बार कॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, बार कॉर्ड की तरफ जा रहे हो, अब बिगिनर्स इस चीज़ को जान के रख सकते हैं, आगे चल के उनको काम आएगा। इसमें जो है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा है कि आप 1 मिनट में कोई सा भी कॉर्ड कहाँ पर है आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। 1 मिनट से भी कम वक्त लग जाएगा आपको, बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, स्ट्रिंग के नाम वो याद होना चाहिए। दूसरी, क्रोमेटिक स्केल, मतलब क्रोमेटिक के जो नोट्स है, मतलब 12 के 12 जो नोट्स है, आपको वो एकदम याद रखना चाहिए। उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर गलती हो जाएगा। क्रोमेटिक यानी कि सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ठीक, ए शार्प, बी, सी, ये सारे नोट्स आपको याद होना चाहिए। तो कॉर्ड, अभी मेजर माइनर सबके मैं बता देता हूँ। वैसे कॉर्ड कितने तरीके का कॉर्ड है आपको पहले बहुत जानना पड़ेगा, मतलब कॉर्ड मतलब पकड़ने का, कितने तरीके से हम कॉर्ड पकड़ते हैं। ये तरीका 6 है, ठीक, 6 तरीके का कॉर्ड हम लोग पकड़ते हैं, बजाते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 2 तरीके के कॉर्ड को हम ज़्यादा बजाते हैं, एक फर्स्ट शेप, एक थर्ड शेप। आइए पहले शेप समझ लेते हैं। शेप मीन्स बार कॉर्ड, बार कॉर्ड को फर्स्ट शेप बोलते हैं, ठीक। इस चीज़ को जैसे भी आप पकड़े, कहीं पे भी इसको पकड़े, ये फर्स्ट शेप ही होता है, ठीक। उसके बाद आता है सेकंड शेप। सेकंड शेप कहाँ है? सेकंड शेप ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक, मतलब 4 फ्रेट होता है। फोर्थ फ्रेट पर फोर्थ फिंगर, थर्ड फ्रेट पर थर्ड फिंगर, सेकंड फ्रेट पर सेकंड फिंगर, और फर्स्ट फ्रेट पर 2 स्ट्रिंग होता है, थर्ड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग। इन दोनों को छोटा सा एक बार होता है, उस हिसाब से इसको सेकंड शेप बोलते हैं। आप इसको ले जाकर कहीं भी चले जाइए, ये सब सेकंड शेप ही है, ठीक। और एक होता है थर्ड शेप। थर्ड शेप आप ऐसे पकड़ सकते हैं, अगर ऐसे ना आता हो, लेकिन बेहतर होगा आप अगर ऐसे प्रैक्टिस कर ले तो, क्योंकि ये आगे चल के बहुत सुविधा, बहुत चीज़ों का फायदा देगा, इसका नहीं, ठीक। ये चीज़ कैसे हैं, जैसे 1 2 3, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों स्ट्रिंग को मैं इस फिंगर से पकड़ रहा हूँ, ठीक, थर्ड फिंगर से ऐसे। नीचे का हमारा ओपन बजेगा, बज रहा है, ठीक, और फर्स्ट फिंगर इसमें बाहर आ जाते हैं, ये। चलिए बेसिक मेन चीज़ पर आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शेप का देखते हैं। फर्स्ट शेप, फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर उसका नाम डिपेंड होता है, चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए। फर्स्ट शेप, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो नोट है, मतलब जो बार हम पकड़ रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग पर हमारा बार ही आता है, तो उसका जो नाम है उस नाम के ऊपर इस कॉर्ड का नाम डिपेंड है, ठीक। जैसे हम फर्स्ट शेप को ई, फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा ई है, आप चाहे ई नीचे वाले का फॉलो कीजिए या ऊपर वाले का फॉलो कीजिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही ई है, ठीक। तो पहले क्रोमेटिक समझ लेते हैं। ई हमारा ओपन बज रहा है, फिर एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए, ए शार्प, इसमें आपका सारे बार आ गए, इसलिए इसको ऐसे गिनवा रहा हूँ। बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, यहाँ से यहाँ तक जितना बजा वही चीज़ यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है। एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, ठीक। हम ई मेजर को अभी नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे, हालांकि ये भी फर्स्ट शेप में आता है, इसका जो बार्स का काम जो है वो नट पोजीशन कर देता है, ठीक। तो नट पोजीशन जो काम करते हैं, मतलब इसमें हमारा ओपन स्ट्रिंग आ जाता है, इसलिए इस चीज़ को ओपन चैप्टर में रखा गया है कि ई मेजर, ये ई मेजर जो है ये ओपन चैप्टर में है, ओपन कॉर्ड ई है,
ठीक, क्योंकि इसमें तीन नोटेशन हमारा ओपन बज रहा है। जैसे ये वाला सी, ये भी सेकंड शेप है, लेकिन मैंने सेकंड शेप आपको सी शार्प से दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें कोई ओपन नहीं है, लेकिन इस सी में तीनों नोट्स ओपन है हमारे, ई जी ई। ठीक, उसी तरीके से डी, ये एक्चुअली फोर्थ शेप है, इसको फोर्थ शेप बोलते हैं जो, और हम अगर ऐसे पकड़े इसको तो ये सेकंड शेप कहते हैं। ठीक, फोर्थ शेप यानी कि ऐसे ऐसे पकड़ा जाता है उसको, मतलब ये डी जो है ऐसे, ये ओपन आ रहा है मेरा, इसको आप डी शार्प वैसे लीजिए, ये फोर्थ शेप में आता है। तो फर्स्ट शेप का हम पहले शुरू करते हैं, इसलिए पहले जैसे मैंने बोला ई छोड़ दिया, अब एफ लेंगे। ठीक, ये हुआ हमारा एफ मेजर, उसके बाद शिफ्ट कीजिए एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। ठीक, ये सब मेजर है, ये सारे कॉर्ड आपके मेजर हैं। ई, ई फ्लैट, इसको डी शार्प नहीं बोलेंगे क्योंकि हम वापस जा रहे हैं। ई, डी फ्लैट, डी, डी फ्लैट, सी, बी, बी फ्लैट, ए, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट, एफ, ई। ई तो हम ले नहीं रहे ना। ठीक, तो ये हुआ आपका मेजर, सारे मेजर कॉर्ड फर्स्ट शेप, जिसको बार कॉर्ड, ज़्यादातर बार कॉर्ड लोग भी बोलते हैं, लेकिन बार जो है बार कॉर्ड, ये भी बार कॉर्ड है, जिस कॉर्ड में बार लग जाते हैं वो भी बार कॉर्ड ही है, ये भी बार कॉर्ड है, ये भी बार कॉर्ड है, ये भी बार कॉर्ड है। ठीक, क्योंकि इसमें हमारा बार यूज़ हो रहा है, इसलिए आप शेप से याद रखिए फर्स्ट शेप। ठीक, फर्स्ट शेप, फर्स्ट शेप मेजर, फर्स्ट शेप मेजर, फर्स्ट शेप मेजर, आप ऐसे कहीं भी पकड़िए, ये फर्स्ट शेप मेजर है, फर्स्ट शेप मेजर यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग, सिक्स स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फोर्थ फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, सेकेंड फिंगर, एंड सेकेंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग बोथ आर बार फॉर फर्स्ट फिंगर। ठीक, अब आते हैं मेजर में, अब इस सेकेंड फिंगर को ऊपर कर दीजिए, ये माइनर हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट शेप माइनर होता है। ठीक, माइनर कौन, क्या नाम है, वही फर्स्ट शेप, फर्स्ट शेप है तो ई फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर आएगा, मतलब ई एफ, ये एफ नोटेशन है, एफ माइनर, ये एफ शार्प, एफ शार्प माइनर, ये जी, जी माइनर, ये जी शार्प, सब माइनर में जा रहे हैं, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, डी माइनर, डी फ्लैट माइनर, डी माइनर, सी, सॉरी, ई माइनर, ई फ्लैट माइनर, डी माइनर, डी फ्लैट माइनर, सी माइनर, बी माइनर, बी फ्लैट माइनर, ए माइनर, ए फ्लैट माइनर, जी माइनर, जी फ्लैट माइनर, एफ माइनर। ठीक, ये हुआ हमारा फर्स्ट शेप का चैप्टर ख़त्म हुआ, अब आते हैं सेकंड शेप, सेकंड शेप आपका ये होता है। ठीक, सेकंड शेप सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इसको सेकंड शेप बोलते हैं। जैसे सेकंड हमारा स्ट्रिंग का नाम क्या है, बी, तो फर्स्ट फ्रेट में आता है सी, बी, सी, सी शार्प, इसलिए इसका नाम सी शार्प हो गया। ठीक, इस कॉर्ड का नाम सी शार्प, ये मेजर है, मेजर सी शार्प, शिफ्ट कीजिए डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी। ठीक, ठीक, ऐसे ही सी, बी, बी फ्लैट, ए, ए फ्लैट, जी, जी फ्लैट,
F E E flat D D flat, सी शार्प और डी फ्लैट एक ही नोटेशन है, ठीक, नाम अलग है पर सुर टोन जो है वो एक ही है। अब आते हैं थर्ड शेप पर, सेकंड शेप माइनर, अच्छा सेकंड शेप माइनर रह गया, सेकंड शेप माइनर आप ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन सेकंड शेप का आजकल ज़्यादा इतना यूज़ होता नहीं है, हर कोई ये फर्स्ट शेप और थर्ड शेप के ऊपर ही चल रहा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। डी माइनर, इसमें इन दोनों का कोई काम नहीं है, अगर आपको ये दोनों बजाने हैं तो इसमें दोनों नहीं बजा सकते, आप एक ही बजा सकते हैं, इसको आपको डंप रखना पड़ेगा, ठीक। ये ए फ्लैट ए शार्प मेजर है इसका, इसलिए इसको डंप करने, जो हमारा डी माइनर का नोटेशन नहीं है, ठीक। इसमें जो है फर्स्ट फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग, ये फिफ्थ स्ट्रिंग डंप होगा, हमेशा ही डंप होगा, उसके बाद थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर बार, ठीक। तो ये हुआ डी माइनर, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर, ए माइनर, ए शार्प माइनर, बी माइनर, सी माइनर, अब आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी शार्प माइनर, डी माइनर, ठीक, डी माइनर, डी फ्लैट माइनर, सी माइनर, बी माइनर, बी फ्लैट माइनर, ए माइनर, ए फ्लैट माइनर, जी माइनर, जी फ्लैट माइनर, एफ माइनर, ई माइनर, ई फ्लैट माइनर, डी माइनर, ठीक। अब आते हैं थर्ड शेप, थर्ड शेप हमारा जो है ऐसे, फर्स्ट जो थर्ड शेप का जो माइनर का दिखा रहा हूँ पहले मैं, वो ए शार्प का आता है, ए माइनर इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ओपन आते हैं, ठीक, ये भी बार कॉर्ड के, बार कॉर्ड ही है, इसको थर्ड शेप बोलते हैं, थर्ड शेप जैसे मैंने बोला थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर, तो थर्ड स्ट्रिंग पर हमारा कौन सा नोट है, ये नोट पकड़ के रखे हमने, ठीक, तो जी ओपन, जी शार्प, ए, ए शार्प, ठीक, ये हुआ हमारा थर्ड शेप। थर्ड शेप बहुत पकड़ना बहुत इजी है, जो आप मेजर फर्स्ट शेप पकड़ रहे हो, एक स्ट्रिंग नीचे थर्ड शेप माइनर, एक स्ट्रिंग ऊपर थर्ड शेप माइनर से एक स्ट्रिंग ऊपर चले जाइए, वो फर्स्ट शेप मेजर हो जाते हैं, ठीक, फर्स्ट शेप मेजर, एक स्ट्रिंग नीचे चले जाइए पूरी चीज को, ए शार्प माइनर मतलब थर्ड शेप माइनर, नाम बाद में गए, पहले शेप याद रखिएगा, फर्स्ट शेप, थर्ड शेप, थर्ड शेप, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप, सेकंड शेप, ठीक, पहले शेप याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा उसको निकालने में। ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ठीक। उसके बाद मेजर में आते हैं, ये माइनर है तो मेजर ऐसे होता है, थर्ड शेप मेजर, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ठीक। ये हुआ हमारा तीनों शेप और इसके तीनों कॉर्ड, मेजर माइनर, सबका मेजर माइनर, मेजर माइनर, इसको रट्टा मत लगाइए इसको कि हाँ ऐसे में बहुत वक्त लग जाएगा, आप सिर्फ शेप पैटर्न याद रखिए, जैसे फर्स्ट शेप मेजर, फर्स्ट शेप माइनर, थर्ड शेप मेजर, थर्ड शेप माइनर, सॉरी थर्ड शेप माइनर, थर्ड शेप मेजर, ठीक, सेकंड शेप मेजर, सेकंड शेप माइनर, ठीक, सेकंड शेप मेजर, सेकंड शेप माइनर, फर्स्ट शेप मेजर, फर्स्ट शेप माइनर, थर्ड शेप मेजर, थर्ड शेप माइनर, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।